नेटवर्क में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पांड्रापोड़ी परिसर में अपराधी की हत्या। अवैध शराब की बिक्री को लेकर चल रही गैंग वॉर में अंबाजरी थाने के तहत पांड्रापोड़ी परिसर में अपराधी अक्षय जयपुरे की हत्या कर दी गई। बुधवार की रात 9:30 पर हुई इस वारदात से परिसर में दहशत निर्माण हो गई। अजय नगर हिलटॉप निवासी 30 वर्षीय अक्षय बाबूलाल जयपुरे पेशेवर अपराधी था। उसके खिलाफ हत्या का प्रयास सहित कई गंभीर मामले दर्ज है। उसका पांड्रापोड़ी परिसर में दबदबा था। उसे MPDA के तहत नासिक जेल भी भेजा गया था। 6 माह पहले ही वह रिहा हुआ था, जिसके बाद से वह पुनः सक्रिय हो गया था। मिली जानकारी के अनुसार अवैध शराब की बिक्री को लेकर उसकी परिसर के प्रतिद्वंदी अपराधियों से रंजिश चल रही थी। इसी रंजिश के चलते पांड्रापोड़ी की सुदाम नगरी में अक्षय पर हथियार और सीमेंट की ईंट से वार कर अक्षय को मौत के घाट उतार दिया। वारदात का पता चलने पर अंबाझरी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस जांच में पता चला कि 7 से 8 हमलावरों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। घटनास्थल के पास ही एक महिला का चर्चित गांजे का अड्डा है। पांड्रापोड़ी परिसर में कई स्थानों पर अवैध धंधे चल रहे हैं। कई स्थानों पर तो धड़ल्ले से शराब के साथ खाने का सामान बेचते हुए देखा जा सकता है। हैरानी की बात ये है कि आला अधिकारियों का ध्यान इस तरफ क्यों नहीं है। गैरकानूनी काम करने वाले हर समय परिसर में सक्रिय रहते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आगामी दिनों में पांड्रापोड़ी परिसर में और भी गंभीर वारदातें होने की आशंका जताई जा रही है। ये थी नागपुर से हमारे सूत्रों की विशेष रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।